हेलो फ्रेंड्स, बायोस्टेशन हेल्थ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम है। गाइस, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अमेजिंग बेनिफिट ऑफ सी बकथॉर्न विद टर्मरिक ऑयल जूस, राइट। एंड अगर आपने इस जूस को ऑलरेडी यूज किया है तो आप इसके बेनिफिट को जानते होंगे, अगर नहीं यूज किया है तो इसके बेनिफिट को जान लीजिए ताकि आपको वो बेनिफिट मिले और बेनिफिट आपको दिख भी सके, राइट। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बेनिफिट बताने से पहले हम आपको दिखा दें कि ये जो हमारा सी बकथॉर्न विद टर्मरिक ऑयल जूस है, एंड अगर बात करें इसके कि इंग्रेडिएंट्स की तो ये जो सी बकथॉर्न एंड टर्मरिक ऑयल जूस से मिलकर बना हुआ है। एंड अगर बात करें इसके न्यूट्रिशन की तो न्यूट्रिशन पर 100 ml आपको मिलता है इसके अंदर ओमेगा 7, ओमेगा 3, 6, 9 विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B6, मल्टीपल काइंड ऑफ न्यूट्रिशंस जो आपको इस जूस के अंदर मिलते हैं। एंड अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, जिसमें हम आपको बताएंगे अमेजिंग बेनिफिट्स। सो एंड इसका फर्स्ट बेनिफिट है कि हेल्प इन इम्प्रूविंग आई साइट्स, राइट। जो हमारे आई साइट्स होते हैं उनको इम्प्रूव करने में यह हमारी हेल्प करता है, राइट। एंड जो अगला बेनिफिट है, अगला बेनिफिट यह है कि हेल्प टू प्रिवेंट बॉडी और बोन्स पेन, राइट। जैसा कि आपने देखा होगा कि आफ्टर द एज ऑफ 20, 30 या 40, राइट, आज तो आफ्टर 20 ही बहुत सारे लोगों को बोन्स पेन और बॉडी पेन शुरू हो जाती है। तो अगर जिनको भी यह दिक्कत है तो वो ये जूस जरूर ट्राई करें एंड उनको 100% बेनिफिट मिलेगा। एंड जो अगला बेनिफिट है वो है कि हेल्प टू इम्प्रूव इम्यूनिटी, राइट। एंड इम्यूनिटी हमारे बॉडी की बहुत अच्छा पार्ट माना जाता है, क्योंकि सब कुछ ही हमारी इम्यूनिटी है। बहुत बड़ी बीमारी होती है तो वो इम्यूनिटी की वजह से होती है, और अगर हमें खांसी बुखार जुखार भी होता है तो वो इम्यूनिटी की वजह से होता है। हमारी इम्यूनिटी वीक होती है इसलिए हमें दिक्कतें आती हैं, तो यह हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट करता है, राइट। एंड जो अगला बेनिफिट है कि हेल्प टू इम्प्रूविंग हार्ट फंक्शनिंग। इसके अंदर आपको मिलता है ओमेगा 3, 6, 7, 9 जो आपके हार्ट की फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, और वो भी विदाउट एनी साइड इफेक्ट, राइट। एंड जो अगला बेनिफिट है वो यह है कि हेल्प इन रेगुलेटिंग ब्लड सर्कुलेशन, राइट। आज के समय में बहुत सारी हमारी डाइट में कमी होती है, जिस वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो गाढ़ा हो जाता है, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। तो ये जूस क्या करता है, आपके ब्लड के सर्कुलेशन को सही कर देता है, राइट। एंड जो अगला बेनिफिट है ये है कि हेल्प टू फाइट विद एनी काइंड ऑफ स्किन डिसीज, राइट। दोस्तों, आज के समय में हमारे खाना पीना में सही तरीके से न्यूट्रिशन ना होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हमें मिलती हैं, लाइक स्किन डिसीज के रिगार्डिंग। तो ये हमें स्किन डिसीज के रिगार्डिंग किसी भी समस्या से हमें ये बचाता है, राइट। एंड उसके बाद जो अगला बेनिफिट है वो ये है कि हेल्प टू इम्प्रूविंग थायराइड फंक्शनिंग। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को थायराइड होती है एंड वो दवाइयाँ खाकर परेशान हो जाते हैं, तो जिनको भी यह दिक्कत है वो यह जूस ट्राई करें, और बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिला हुआ है तो आपको भी डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, राइट। एंड उसके बाद जो अगला बेनिफिट है ये है कि हेल्प इन प्रिवेंटिंग डाइजेशन प्रॉब्लम, राइट। दोस्तों, हम जो खाते हैं वह खाना हमारे बॉडी में लगना जरूरी होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मोस्टली लोगों को ये दिक्कत आती है कि उनका डाइजेशन सही नहीं होता, जिस वजह से वो जो खाते हैं उनकी बॉडी में लगता नहीं है और वो पतले होते हैं या बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, तो उनका डाइजेशन भी यह जूस सही करता है। एंड अगर वो इस जूस को ट्राई करेंगे तो उनका डाइजेशन धीरे धीरे सही हो जाएगा, राइट। एंड उसके बाद जो अगला बेनिफिट है वो यह है कि हेल्प इन एंजाइमा, सोरायसिस, एक्ने, एलर्जीज एंड एंटी एजिंग में यह हमारी हेल्प करता है। एंड ये दिक्कतें सबको देखने को मिलती हैं, लेकिन बहुत लोग कम शेयर करते हैं, राइट, कि फेस पे एक्ने हो गया, पिंपल वगैरह हो गए, उनको यह दिक्कत है, वो यह जूस डेफिनेटली ट्राई करें एंड उनको अमेजिंग बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो हल्दी है वो एंटी बैक्टीरियल है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग बेनिफिट मिलने वाले हैं। जो अगला बेनिफिट है वो यह है कि हेल्प इन डिटॉक्सिफाइंग लीवर एंड सॉल्व लीवर रिगार्डिंग ऑल इशूज़। गाइस, लीवर, आज के समय में लीवर एंड किडनी के रिगार्डिंग बहुत सारी दिक्कतें हमारे इंडिया में देखने को मिल रही है, कि लीवर से बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, तो हमारे लीवर को क्या चाहिए वो हमें नहीं पता। तो लीवर के रिगार्डिंग जो भी दिक्कतें होती हैं वो यह जूस सॉल्व करता है और हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, राइट। एंड जो अगला बेनिफिट है वो यह है कि प्रिवेंट अस रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस एंड
जॉन्डियस जॉन्डियस एंड हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों से यह हमें बचाता है। अगला बेनिफिट है कि यह हमारे स्टमक एंड हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। राइट, बहुत सारे लोगों को तो नहीं लेकिन कुछ लोगों को ब्रेन एंड स्टमक में क्या होती है, सूजन आ जाती है। तो जिनको भी सूजन वगैरह है स्टमक में या ब्रेन में, तो वो यह जूस ट्राई करें एंड उनको डेफिनेटली नेचुरल तरीके से बेनिफिट मिलेगा। एंड उसके बाद जो अगला बेनिफिट है वो यह है कि हेल्प टू प्रिवेंट स्टमक रिलेटेड डिजीज लाइक अल्सर एंड कोलन कैंसर। एंड जो अगला बेनिफिट है वो यह है कि इट्स एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हेल्प टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कैंसर। गाइस, आज के समय में हमारे खाना पीना उतना सही नहीं है एंड खाना पीना सही ना होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी बहुत लो रहती है एंड उसकी वजह से हमें कैंसर डायबिटीज़ जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो अगर आप यह जूस ट्राई करते हैं या उसको आप पीते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन आपको फ्यूचर में कैंसर से आप बचाते हैं, आपको कैंसर होने की संभावना 90% कम हो जाती है। राइट, एंड उसके बाद जो अगला बेनिफिट है वो यह है कि हेल्प इन वाउंड हीलिंग। कभी कभी क्या होता है कि हमें हमारे बॉडी पे कोई जख्म हो जाता है या कोई घाव हो जाता है तो वो जल्दी भरता नहीं है दवाइयों से। राइट, तो जिनको भी यह दिक्कत है वो इस जूस को ट्राई करें एंड उनका घाव बहुत जल्दी विद इन 20 डेज़ के अंदर उनको बेनिफिट मिलेगा। राइट, तो गाइस ये वो सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको यह जूस यूज करने के बाद मिलते हैं। राइट, एंड सबसे बड़ी खासियत है कि यह जूस यूज करने के बाद आपको किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि यह जूस टोटली 100% ऑर्गेनिक है, नेचुरल है एंड सबसे बड़ी बात यह है कि यह NABL से सर्टिफाइड है। राइट, सो डरने की कोई बात नहीं है, आपको यह जूस विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट रिजल्ट देगा, डेफिनेटली देगा। राइट, एंड आप इसका यूज कीजिए एंड जो भी बेनिफिट्स हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लव एंड कीप सपोर्ट। थैंक यू सो मच।